أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ये सूरह निसा की आयत नंबर 31 और 32 है। आयत नंबर 31 का तर्जमा तो ये है कि जिन कामों से तुमको मना किया जाता है उनमें जो भारी भारी काम है यानी बड़े बड़े गुनाह हैं, अगर तुम उनसे बचते रहो तो हम तुम्हारी खफीफ यानी छोटी हल्की बुराइयां तुमसे दूर फरमा देंगे और हम तुमको एक मुअज्जज जगह में दाखिल कर देंगे। मुअज्जज जगह से मुराद है जन्नत। तो खुलासा इस आयत शरीफा का यह हुआ कि अगर आदमी बड़े गुनाहों से बचे तो अल्लाह ताला इबादात के जरिए से और बड़े गुनाहों से बचने की वजह से छोटे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इसकी तफसीर क्या है वो आप पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं दोबारा तर्जमे कैसे और ज़्यादा सही करके बिठा दूंगा। मजीद मेहरबानी खुदा ने यह फरमाई कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे। देखिए, मजीद मेहरबानी का लफ्ज़ बढ़ा देने से ये मालूम हुआ है कि अल्लाह ताला का रहम करम है, वरना साफ साफ बात है कि भाई अगर बड़े गुनाह करोगे तो उस पर सज़ा मिलेगी और अगर बड़े नहीं करोगे तो सज़ा नहीं मिलेगी, अलबत्ता अगर छोटे करोगे तो छोटे पर सज़ा मिलेगी। इंसाफ तो यही है ना कि आपने बड़ा नहीं किया, चलिए बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, छोटा किया है तो छोटी सज़ा मिलेगी। सीधी सीधी बात ही होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला ये फरमा रहे कि बड़े से अगर बचोगे तो छोटा अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। मजीद मेहरबानी खुदा ने यह फरमाई कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे और आमाल हसाना करोगे, आमाल हसाना नेक अमल अच्छे अमल, बशर्ते के वो कबूल हो जाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे सगीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा देंगे। अब इसके बारे में हदीस शरीफ लाए हैं ताकि वजाहत हो जाए कि इस आयत की तफसीर क्या है। फिनाचे हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पांचों नमाजें अपने दरमियानी औकात के लिए और जुमे की नमाज पिछले पूरे हफ्ते के लिए सगीरा गुनाहों को ख़त्म कर देती है, बशर्ते कि आदमी कबीरा गुनाहों से बचा रहे। तो इस तरीके से आदमी के छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं कि एक नमाज पढ़ी उसके बाद दूसरी नमाज पढ़ी तो दरमियान के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। चुनांचे एक हदीस शरीफ मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा ये बतलाओ, एक आदमी के सामने एक नहर है, बहुत सी रिवायतों में है कि बहुत शफाफ है, बहुत गहरी है, यानी उसका पानी बहुत अच्छा है, और वो उस नहर में 5 मरतबा नहाता है, गुसल करता है, तो क्या उसके जिस्म पर मैल बाकी रहेगा, गंदगी वगैरह बाकी रहेगी? तो सहाबा ने फरमाया बिल्कुल बाकी नहीं रहेगी। तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही मिसाल है नमाजों की कि नमाजों के पढ़ने से आदमी गुनाहों से पाक होता रहता है, जैसा कि नहर में नहाने से आदमी का जिस्म साफ होता रहता है मैल कुचैल से। तो नमाज को इस नियत से भी पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। ये मसला जहन नशीन रहे। अब यहाँ पर एक बात ये रहेगी कि कबीरा गुनाह किसे कहते हैं। ये आया ना हदीस शरीफ में कि कबीरा गुनाह अगर नहीं करोगे और सगीरा तुमसे हो जाएगा तो अल्लाह ताला तुम्हारे सगीरा माफ़ फरमा देंगे खुद ब खुद, नेक अमल की बरकत से और कबीरा के बचने की वजह से।
तो कबीरा किसे कहते हैं? एक बात तो ये रहेगी, दूसरी बात ये सवाल पैदा होगा, क्या फर्ज और वाजिब का छोड़ना कबीरा है या फर्ज और वाजिब का छोड़ना सगीरा कहलाएगा? तो कबीरा गुना किसे कहते हैं, इसके बारे में उलमा ने बहुत सी बातें बयान की हैं। हदीस शरीफ में तो ये आता है, एक हदीस शरीफ में, कि कबीरा सात हैं। दूसरी हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। जब साहबी ने पूछा वो सात गुनाह कौन से हैं, तो आपने फरमाया अशर्क बिल्ला, नंबर एक अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना कराओ ठहराओ, नंबर दो वक़तलु नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक, और ऐसे इंसान को कत्ल ना करो जिसका कत्ल करना तुम्हारे लिए हराम है, वसीहर और जादू कराना, नंबर चार व अकुल रिबा सूद खाना, नंबर पाँच व अकुल माल यतीम यतीम का माल खाना, नंबर छः व तवल्ली यौम ज़हफ जिहाद के दिन पीठ फेर कर भाग जाना, नंबर सात व क़ज़फुल मुहसनातिल मुमिनातिल ग़ाफ़िलात पाकीज़ा औरतों पर तोहमत लगाना कि नाऊज़ु बिल्लाह इस औरत ने किसी मर्द के साथ गलत ताल्लुक कायम किया है, अगर ये कोई तोहमत लगाता है ये भी कबीरा गुना है, ऐसा तोहमत लगाने वाला जहन्नम में जाएगा। तो ये सात गुना हदीस शरीफ में बयान किए गए हैं कि ये बड़े बड़े सात गुना हैं, लेकिन इसके अलावा और भी गुना हैं जो बड़े कहलाए जाते हैं। चुनाचे अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, सात नहीं 700 हैं, यानी ये मत समझो कि सात ही बड़े गुना हैं, बल्कि बड़े गुना और भी हैं। ये सात तो बहुत बड़े गुना थे, इस वजह से अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये सात गिनवा दिए, वरना और भी बड़े बड़े हैं। इसकी फहरिस्त अगर आपको देखनी हो तो बेहश्ती ज़ेवर में मिल जाएगी, बेहश्ती ज़ेवर में है बड़े गुना, तो उसके में लिस्ट मिल जाएगी इसकी कि कौन कौन से गुना बड़े हैं। तो आपके लिए तो बस वही आसान है कि आप वो देख लें, इसके अंदर तो बहुत लंबी चौड़ी बहसें हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन आपको उसी से फ़ायदा होगा कि आप बेहश्ती ज़ेवर को देख लें और उसमें जो कबीरा गुना की लिस्ट है वो जहन में बिठा लें, ताकि आदमी उससे ख़ास तौर पर बचे। गुनाहों से तो बचना ही ज़रूरी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उसके बाद बड़े गुनाहों से बहुत ही एहतमाम के साथ बचना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ़राइज़ और वाजिब यानी नमाज का छोड़ देना, ये अल्लाह ताला ने जो हुक्म दे रखा है, अगर हमने उसको छोड़ दिया तो ये छोटा गुना कहलाएगा या बड़ा कहलाएगा? तो मुफ्ती शफी साहब ने भी लिखा है और यहाँ पर भी ये तफसीर में हमारे वाली साहब ने लिखा है कि ये बड़ा गुना कहलाता है, और यह मसला जहन नशीन रहे कि फ़राइज़ और वाजिबात को छोड़ना भी कबीरा गुना है। यानी जो अल्लाह ताला का हुक्म है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, उसका छोड़ देना, उसका ना करना, ये कबीरा गुना कहलाएगा। हासिल ये कि इंसान ने तमाम फ़राइज़ व वाजिबात अदा किए हों और कबीरा गुनाहों से बचा रहा हो, इन हालात में अगर कुछ सगीरा, सगीरा कहते हैं छोटे को, कबीरा कहते हैं बड़े को, अगर कुछ छोटे गुनाह हो गए हों तो वो माफ़ हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मुताल्लिक अल्लाह ताला का पाक इरशाद है कि हम उनको इज़्ज़त के साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इज़्ज़त के साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे, और आयत क्या थी, आयत का तर्जम जब आप पढ़ेंगे ये है, और हम तुमको एक मुअज्जज़ जगह में दाखिल कर देंगे। अब मुअज्जज़ जगह की तफसीर जन्नत है, और जन्नत में क्योंकि इज्जत के साथ दाखिल किया जाएगा, इस वजह से मुअज्जज़ जगह जन्नत को कह दिया गया। तो इस तरीके से आप तर्जमे से तफसीर निकालने की अपनी आदत बनाएं, असल इसी से आपकी सलाहियत बनेगी और इसी से आप के अंदर कुरान करीम को समझने की सलाहियत पैदा हो।
यहाँ पर एक बात ये आती है, जब ये जहन में आ जाता है कि छोटे गुना तो खुद ब खुद माफ हो जाते हैं, तो बाद मरतबा आदमी छोटे गुना करने शुरू कर देता है। ये शैतानी धोखा होता है। ये तो अनाउजुबिल्ला ऐसा ही है कि बाप अगर ये कहे कि भाई देखो अगर तुम मुझसे ज्यादा जबान चलाओगे फिर तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। हाँ कभी कभार एक दो गलती हो जाए मां माफ कर दूंगा। तो अब कोई लड़की कोई लड़का इस बात को क्या गवारा करेगा कि माँ बाप को एक आधी बात रोजाना कहता रहता है। वो क्यों कि बाप ने कह रखा कि एक आधी बात तो चलो मैं दरगुजर कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम रोजाना मुझे सताओगे और बहुत ज्यादा बातें कहोगे फिर मैं बख्शूंगा नहीं। तो कोई भी पागल से पागल औलाद अगर होगी उसके दिल में माँ बाप की हल्की सी भी मोहब्बत होगी, वो ये समझ इससे ये मतलब समझेगी कि हम कोई भी गलत बात अपने माँ बाप को और कोई सख्त बात अपने माँ बाप को ना कहें। हाँ अगर हो गई फिर तो फिर उम्मीद ही रहती है चलो अब्बू ने तो पहले ही कह रखा था कि एक दो तो मैं माफ कर देता हूँ तो अब ये माफ कर देंगे। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला का ये फरमान है। अब अगर देखिए तुम किसी उस्ताद से अगर ये तफसीर नहीं पढ़ोगे और खुद ब खुद मतलब समझने की कोशिश करोगे तो यकीनन शैतान आपके जहन में डालेगा चलिए छोटे गुनाह तो कर लेते हैं, और छोटे गुनाह से पहुंचा कर वो बड़े गुनाह पर पहुंचा देगा। और जब बड़े गुनाह आदमी करने का आदी हो जाएगा तो फिर आदमी को तौबा की भी तौफीक नहीं होती। आमतौर पे जो डर डर के जो गुनाह होता है ना कि करना नहीं चाहता और हो गया, उसी से तौबा की तौफीक होती है। और निडर होकर बेखौफ होकर आदमी जब गुनाह करता है फिर तौबा की तौफीक भी नहीं होती। तो ये अच्छी तरीके से याद रखें, बाप के हल्का सा थप्पड़ मारना नाउज़ुबिल्ला ये छोटा नहीं बड़ा ही होता है। और माँ बाप को एक बात कह देना छोटी नहीं है बड़ी ही होती है, अगरचे वो माँ बाप माफ करने को कह रहे हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की हकीकत यह है कोई भी नाफरमानी छोटी नहीं बड़ी होगी, क्योंकि ये तो देखना चाहिए हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला की। क्या अल्लाह ताला की नाफरमानी छोटी नाफरमानी कहलाएगी? वो तो अल्लाह ताला का एहसान है कि बंदे बहकते रहते हैं चूकते रहते हैं, इस वजह से चलो भाई इनके छोटे छोटे तो हम खुद ही माफ कर दिया करेंगे। तो ये मतलब है आयत शरीफा का, इसका उल्टा मतलब निकाल कर शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। उसके बाद आयत नंबर 33 ये है, और तुम ऐसे किसी अम्र की तमन्ना मत किया करो। अम्र कहते हैं बात को, चीज जिसमें अल्लाह ताला ने बादों को बादों पर फौकियत बख्शी। अभी आपको यह आयत समझ में नहीं आएगी जब तक क्या आप तफसीर नहीं पढ़ेंगे, और मैं भी अभी नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ तर्जमा आपके सामने कर रहा हूँ ताकि पता लगे कि आयत है क्या। उसके बाद तफसीर पढ़ के खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या बयान किया गया है। जिसमें अल्लाह ताला ने बादों को बादों पर यानी एक को दूसरे पर फौकियत यानी बढ़ावा दिया। मर्दों के लिए उनके आमाल का हिस्सा है, क्या मतलब? औरतों के लिए उनके आमाल का हिस्सा है, क्या मतलब? तब आएगा तफसीर में। और अल्लाह ताला से उसके फजल की दरख्वास्त किया करो। बिला शुबा अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर शान नुजूल समझिए, तब जाकर यह आयत समझ में आएगी। शान नुजूल, हजरत उम्मे सलमा यही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उन्हीं को कहते हैं उम्मुल मोमिनीन, ईमान वालों की माँ। सलमा इनके बेटे का नाम है क्योंकि दूसरी शादी हुई थी इनकी, पहले बेटे का नाम सलमा था, इस वजह सलमा की माँ। और ये सलमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो सिर्फ हजरत खदीजा से औलाद है, इसके अलावा किसी से औलाद है ही नहीं। और एक मारिया किब्तिया से वो बांधी थी। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मर्द जिहाद करते हैं औरतें जिहाद नहीं करती। अब देखिए आज के दौर में औरतों को शिकवा किस बात का है, मर्द तो घूमते हैं फिरते हैं बाहर और हमें बाहर नहीं निकलने देते। अब देखिए कितना फर्क आ गया सहाबियात औरतों में और आज की औरतों में। और अगर आज की बेहया औरतों को लिया जाए तो वो तो ये कहती हैं कि मर्द तो बेपर्दा फिरते हैं हमसे पर्दा कराया जाता है। तो बेहया औरतों को तो कहने ही क्या, खैर पूरी दुनिया के आज के दौर में यही मसला अटका हुआ है कि औरतों का हक मारते हैं नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम के अंदर। औरतों का हक नहीं औरतों की इज्जत बचाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं औरतों की इज्जत बचाना क्या कहते हैं,
उसको जानवर की तरह इस्तेमाल करो औरत को, ये अमेरिका और इंग्लैंड की तहजीब है, मगरबी तहजीब ये है, यूरोप की कल्चर ये है कि औरत को नाउजुबिल्ला जानवर की तरह इस्तेमाल करो, फायदा उठाते रहो और उसको बाजार में घुमाते रहो। मर्द जिहाद करते हैं, औरतें जिहाद नहीं करती। खैर ये बात है कि साहबी ने, साहबिया ने ये सवाल किया, तो हम तो जिहाद के सवाब से महरूम हो गए ना, असल ये कहना चाहती है, इतना बड़ा जिहाद का सवाब है हमको कैसे मिलेगा। मर्दों को मीरास में औरतों से दो गुना हिस्सा है, ये आपको मसला मालूम होगा, अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटे को डबल मिलता है, बेटी को सिंगल मिलता है, तो यहाँ औरतों को कम हिस्सा मिला। आज के दौर में यही तो कहा जाता है कि मर्दों को औरतों के बराबर, औरतों को मर्दों के बराबर नहीं रखा जाता, जिसे कहते हैं मुसावात, यानी औरतों के हक रौंद दिए जाते हैं और औरतों को पूरा हक इस्लाम नहीं देता। यही सवाल आज के दौर में तो एतराज़ की शक्ल में किया जाता है, यानी इस्लाम के अंदर नाउज़ुबिल्लाह ये कमी है, और हज़रत उम्मे सलमा यही सवाल कर रही हैं, लेकिन समझने के लिए और इसका हल निकालने के लिए कि ऐसा तरीका क्या हो कि हमको भी इतना ही ज़्यादा सवाब मिलने लगे। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि इस हज़रत उम्मे सलमा के सवाल का जवाब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं दिलवाया, अल्लाह ताला ने फरमाया अहम सवाल है, पूरी दुनिया यही सवाल करेगी आखिर तक, क़यामत तक, और इस बहाने से औरत की इज्जत को बेचा जाएगा, तो हम इसका जवाब देंगे। अगर हम भी मर्द होती, यानी हज़रत उम्मे सलमा कह रही हैं, तो उनकी तरह जिहाद भी करती तो हमें सवाब मिलता जिहाद का, और हमें भी मीरास में मर्दों के बराबर हिस्सा मिला करता, यानी हमें भी डबल मिलता जैसे कि मर्दों को, भाइयों को डबल मिलता है। इस पर आयत नाजिल हुई, ये वाक्य सुनने तिर्मिजी में है। उस वाक्य में क्या है, अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमाया कि तुम किसी ऐसी चीज़ की तमन्ना मत किया करो जिसमें अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर, एक को दूसरे पर फजीलत व फौकियत बख्शी। ये सीधा सीधा जवाब है, देखिए औरत आपको अल्लाह ने बनाया और मर्द को मर्द अल्लाह ने बनाया है, अब एक आदमी क्या ये अच्छा लगता है अल्लाह ताला पर एतराज़ करे कि अल्लाह ताला ने तूने मुझे औरत क्यों बनाया है, अगर तुम मुझको मर्द बनाते तो मैं बाहर फिरा करती, अगर तुम मुझको मर्द बनाते तो मैं जॉब करती, अगर तुम मुझको मर्द बनाते तो मुझे भी मीरास में डबल हिस्सा मिलता, अगर तुम मुझको मर्द बनाते तो मैं पर्दा ना किया करती, अल्लाह तूने मुझे औरत बना दिया। ये तो नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला के साथ मजाक हो रहा है और अल्लाह ताला के साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तुमको पता ही नहीं किसको औरत बनाना किसको मर्द बनाना, कुछ को औरत बना दिया कुछ को मर्द बना दिया, हमको भी मर्द बनाते, या हमको मर्द अगर नहीं बनाते कम से कम हमें बाहर फिरने का इजाज़त दी जाए, हमें मीरास में डबल मिलना चाहिए। तो दोनों सूरतों में अल्लाह ताला पर एतराज़ है। अगर ये माना जाए कि हम औरतें नहीं होती मर्द होते, इसमें भी अल्लाह पर एतराज़ है, और अगर ये माना जाए कि औरतें तो होती लेकिन हमें भी मीरास में डबल हिस्सा मिला करता, हम भी बगैर पर्दे फिरा करती, तो जाहिर सी बात है मीरास में जो सिंगल मिलता है वो भी अल्लाह ही का हुक्म है, पर्दे का हुक्म भी अल्लाह ही ने कुरान में दिया है, तो इस सूरत में भी अल्लाह ताला पर एतराज़ है, अल्लाह ताला की बात पर नुक्ता चीनी की जा रही है। तो दोनों सूरतों में यकीनन एक मुसलमान इस बात को गवारा नहीं कर सकता, ये असल जवाब हुआ। हासिल यह कि जो कोई किसी खास खुदादाद फजीलत वाला है, खुदादाद यानी ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से उसको मिल गई है, उसके बराबर पहुंचने की तमन्ना मत करो, तो वो खुदा ने अपनी खास हिकमत और मसीहत के पेश नज़र जिसको बख्शी थी बख्श दी, अब उस पर जलन हसद करने से अपना ही नुकसान है। अब औरतें अगर ये सोचती रहें जिंदगी भर हम मर्द होते यूं करते यूं करते, तो जाहिर सी बात है वो मर्द बनने से तो रहा, तो वो बेचारी पूरी जिंदगी यही फूकती रहेगी जलती रहेगी और अपना ही नुकसान करती रहेगी, वो खुसूसियत तो हासिल होने से रही। मसलन औरत ये तमन्ना करे कि मर्द होती, तो ऐसी तमन्ना जो तुम्हारे हाथों में नहीं है और जिसका फैसला अब नहीं हो सकता, ऐसी दुआ करके ऐसी तमन्ना करके बेफायदा है, ऐसी तमन्ना मत करो जो अब नहीं मिलेगा तुमको। औरत ये तमन्ना करे कि मर्द होती तो ये तमन्ना उसकी ला हासिल, ला हासिल कोई फायदा हासिल नहीं होगा, बेफायदा है,
बस अगर किसी को किसी पर फोकियत हासिल करना है तो उसको चाहिए कि उन आमाल में खूब कोशिश करे जो किसी के साथ खास नहीं है। यानी असल तो अमल पर मेहनत करना है, अमल मर्द भी करता है औरत भी करती है। औरत अगर ज्यादा करेगी तो जन्नत में जाएगी, मर्द नहीं करेगा जहन्नम में जाएगा, ये असल है। क्योंकि इन लोगों के नज़र में यूरोप कल्चर क्या है, बस दुनिया है, और दुनिया भी जानवरों वाली दुनिया। उनको यही नहीं पता हमारी माँ कौन होती है, हमारा बाप कौन होता है, ये जानवरों वाली ही दुनिया। तो माँ तो मालूम होती है, बाप पता नहीं होता, ये जानवरों वाली दुनिया जो है। बस इस वजह से सारी कुरान की आयतों का इनकार करते हैं और मुसलमानों को परेशान करते हैं। हमारे नज़र में है आखरत। अब आखरत में अगर आप देखिए, एक मर्द है नेकी कम करता है तो वो जन्नत में जाएगा, लेकिन औरत उससे ज्यादा नेकी करती है तो औरत को जन्नत में उससे ज्यादा मर्तबा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ये कह दे तो औरत है इस वजह से इसको जन्नत में छोटा दर्जा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जन्नत में अमल की बुनियाद पर औरत को यकीनन बड़ा दर्जा मिलेगा। मसलन नमाज, रोज़ा, हमदर्दी वगैरह इन अमाल को ज्यादा से ज्यादा करके अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब कहते हैं अल्लाह के करीब होना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करे और अल्लाह पाक से उनका फजल का तलब करता रहे। फजल का मतलब यानी अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा दे, अल्लाह ताला हमको और ज्यादा अता फरमा दे, अल्लाह ताला फजल और ज्यादती बदले में और सवाब में जन्नत की शक्ल में अता फरमा दे। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल्लाह से उसके फजल की दरख्वास्त करो। अब हदीस शरीफ में भी आ गया कि अल्लाह से उसके फजल की दुआ करनी चाहिए। फजल मैंने बतला दिया, कहते हैं ज्यादती को, और ज्यादती का मतलब है कि अल्लाह ताला जो हम अमल कर रहे हैं उसमें बढ़ा कर देना। जाहिर सी बात है हमारे अमल की कोई हैसियत ही नहीं है, हमारा अमल तो ना तो इस काबिल है कि अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो और ना इस काबिल है कि हम अल्लाह के दरबार में उसको पेश कर सकें। तो बस फजल की दरख्वास्त करें ताकि अल्लाह ताला बस अपनी तरफ से इसको कबूल भी फरमा लें और मजीद उस पर ज्यादा नेकी अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि उससे मांगा जाए। अब तर्जमा देख लीजिए, मैं दोबारा तफसीर कर दूंगा। और तुम किसी ऐसे अम्र की तमन्ना मत किया करो जिसमें अल्लाह ताला ने बादों को बादों पर फौकियत बख्शी। यानी सवाल क्या था कि हम मर्द होते मिसाल के तौर पर, या मर्द ना होते तो औरतें होती लेकिन हमें डबल हिस्सा मिलता या हम भी जिहाद में जाती। तो उसका जवाब दिया कि ऐसी बात कि जब अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि ये मर्दों ही को मिलेगा औरतों को नहीं मिलेगा, तो अब इस बात की तमन्ना करना एक ऐसी चीज़ की तमन्ना करना जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है अल्लाह ताला के नज़दीक, तो बेफायदा अपना वक्त बर्बाद करना है। और ये भी याद रखिए बहुत से आमाल औरतों ही को मिलते हैं, मिसाल के तौर पर विलादत यानी बच्चे की जब पैदाइश होती है इतना सवाब उस वक्त मिलता है, इतना सवाब उस वक्त मिलता है, यानी पूरी ही उसकी उस वक्त की ज़िंदगी में जाहिर सी बात है मर्द को वो नहीं मिलता। तो बहुत से ऐसे आमाल हैं जो औरत ही को मिलते हैं, पर्दा करने पर औरत को सवाब मिलता है, मर्द को क्या सवाब मिलेगा, मर्द तो आज़ाद होकर फिर रहा है। तो पर्दा करने पर जो औरत को सवाब मिलेगा वो मर्द को नहीं मिलेगा। पाक दामन रहने पर औरत को जितना ज़्यादा सवाब मिलता है मर्द को इतना ज़्यादा सवाब नहीं मिलता। तो ऐसे आमाल भी हैं जिसमें औरत ही को सवाब मिलता है, मर्द को सवाब नहीं मिलता। तो ये नहीं है कि बस मर्दों ही के ऐसे अमल हैं जो सिर्फ मर्दों के अंदर पाए जाते हैं, औरतों के नहीं पाए जाते। औरतों के भी ऐसे बहुत से अमल हैं कि जिसमें बच्चे को पालने में ये सवाब औरत ही कमा सकती है, मर्द नहीं कमा सकता, उसको मौका ही नहीं मिलेगा इस चीज़ का। तो ये वो अमल हैं जिसमें औरत ही को सवाब मिलता है, मर्दों के लिए उनके आमाल का हिस्सा है और औरतों के लिए उनके आमाल का हिस्सा है। यानी ये एक आम कानून बयान कर दिया कि देखिए हमारे यहाँ तो अमल चलते हैं, ये अमेरिका और यूरोप और अंग्रेजी कुत्ते इनके पीछे मत चलना, इनके यहाँ तो दुनिया है। ये दुनिया में कहेंगे कि लड़की को बाहर नहीं जाने देते, लड़की को जॉब करने नहीं देते, लड़की को बुर्के में घुमाते हैं, लड़की पर ये होता है ये होता है, आज के दौर में तो खासतौर से ये चल ही रहा है। तो इनके नज़र में दुनिया है, इस वजह से ये सब बातें कहेंगे। तुम अपना मदार आखरत बनाओ, आमाल का हिस्सा, तो आमाल का हिस्सा तो अल्लाह ताला ही देंगे ना आखरत में,
और औरतों के लिए उनके अमाल का हिस्सा है, तो अमल की तरफ तवज्जो दीजिए। असल ये कुरान का कानून बयान कर दिया, बस अब ये आप जहन में बिठा लीजिए कि असल ये जवाब है। और अब अगर ऐसा आदमी हमसे सवाल करे जो कुरान को ना मानता हो, चलिए बात पहले पूरी कर लीजिए, और अल्लाह ताला से उसके फजल की दरख्वास्त किया करो। फजल मैं बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला से और ज्यादती मांगी जाए, यानी हमारे अमल कुछ नहीं, अल्लाह ताला मजीद बढ़ाकर सवाब दे देते हैं, दे दीजिए। बिला शुबा अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानते हैं, यानी कौन कैसे अमल करेगा ये जानते हैं, मर्द ने ज्यादा की औरत ने ज्यादा की ये भी जानते हैं, और किसको बढ़ावा दिया किसको नहीं दिया ये भी जानते हैं, किसका नुकसान हो रहा है किसका फ़ायदा हो रहा है ये भी जानते हैं। तो अल्लाह ताला जानते हैं, तुम ज़्यादा अपनी अकल मत दौड़ाओ, अल्लाह ने जो करने के लिए कहा वो करो। ये तो है एक कुरान का तरीका, और असल ईमान वाले को यही मानना चाहिए, ज़्यादा लॉजिक और रीज़न क्या कहते हैं इल्लत के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। अब रह जाती है ये बात कि अगर कोई ऐसा आदमी सवाल करे जो कुरान को ना मानता हो, उसका जवाब यह है कि देखिए भाई, औरत और मर्द में तो फ़र्क है ही। सब लोग कहते हैं कि मर्द के अंदर ताकत ज़्यादा होती है, औरत के अंदर नहीं होती। अब बताओ अगर तुम कैसे बराबर करोगे उसको, जब तुमको बराबरी करनी है तो इसमें भी बराबर करो। थोड़ी और मिसाल ले लीजिए कि मर्द औरत के पैदा करने का निज़ाम अलग है, तुम इसको भी बराबर करके दिखाओ, ये बराबर नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वही निज़ाम बाकी रहेगा। इसी तरीके से सब लोग जानते हैं, असल में ये बात है कि औरत जब सबके सामने आएगी तो फितना पैदा होता है, सब जानते हैं, हिंदू भी इसको समझेंगे, कोई ईसाई होगा वो भी समझेगा। और जब फितना पैदा होगा तो आप समझते हैं कि गलत काम होंगे, गलत काम होंगे तो बहुत कुछ होता है, इस पर तो आप कितनी भी लंबी चौड़ी बात कर लीजिए कम है। फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, एक सामान पर अगर दो आदमियों ने हाथ रख दिया तो दोनों लड़ते हैं, ऐसे वाकयात यूरोप में रोज़ को पेश आते रहते हैं कि एक के चाहने वाले दो होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। ऐसे वाकया क्यों हुए, ऐसे वाकया क्योंकि औरत को जब बेहरा बेहिजाब यानी बगैर पर्दे के जब सामने कर दिया तो अब वो एक सामान बन गई, उसकी इज्जत तो कोई बाकी नहीं रही, जिसने हाथ रखना चाहे उसने हाथ रख लिया, अब दो रखेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों में लड़ाई होगी, तो औरत की इज्जत चली गई। ये तो फितरत अल्लाह ताला ने औरत की पैदा की है कि वो यह चाहती है इज्जत से रहो, मुझे कोई गलत नज़र से ना देखे। और ये नामुमकिन है कि औरत बेपर्दा घर से फिरे, घर से बाहर निकले और उसको कोई बेइज्जती की निगाह से ना देखे, ये नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो सारे दुनिया के मर्द इस बात पर मुत्तफिक हैं, सब ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि औरत बेपर्दा फिरती रहे और उसको कोई ना देखे गलत नज़र से, नामुमकिन है, नो इम्पॉसिबल है। तो और औरत की तरफ फितरत में ये बात है कि उसको ये कहती है कि मेरी इज्जत होनी चाहिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेपर्दा होकर वो इज्जत से रहे। और इसकी साफ साफ मिसाल आप वाकया देख लीजिए, सबसे ज्यादा कहते हुए भी शर्म आती है, जीना कहाँ होते हैं। तो ये वो बातें हैं जिससे आप एक हिंदू को भी समझा सकते हैं, किसी गैर मुस्लिम ईसाई को भी समझा सकते हैं कि अगर बराबरी करनी है तो सब कामों में करिए। और सबसे बड़ी जो बुनियाद है पर्दे की, और जो ये कहा जाता है कि औरत को मर्द से मिलना न दिया जाए, ये सब बुनियाद वही है इज्जत को बाकी रखना। और इज्जत को बाकी रखना एक ऐसी चीज़ है कि हिंदू भी समझता है, यहूदी भी समझता है, ईसाई भी समझता है, लेकिन हकीकत यह है ये मर्द अपने फ़ायदे के लिए और असल इस्लाम की औरतों को भी बिगाड़ने के लिए इन्होंने इस इज्जत को फेंक दिया। इन्होंने सोचा हमारा तो फ़ायदा होगा, हम अपनी लज्जत नाउज़ बिल्ला मज़े लेते रहेंगे, तो औरतों को बाहर निकाल दिया और औरतें खुशी खुशी में चलिए हमें भी जॉब करने का मौका मिलेगा, हमें भी मर्दों के साथ कमाने का मौका मिलेगा, अपनी इज्जत गवा दी। हालांकि जब इज्जत चली जाए पैसों का क्या करना, पैसों की कोई हैसियत है इज्जत के सामने। तो ये सब वो बातें हैं जिनकी वजह से इस्लाम औरत को ज़्यादा घर में रहने की दावत देता है और ज़रूरत ही के मौके पर निकलने की इजाज़त देता है और मर्दों के साथ मिलने की इजाज़त नहीं देता। ये सब बुनियाद वही है, क्योंकि जब इन बातों पर अमल नहीं किया जाएगा बात आगे बढ़ेगी। जैसा कि चल रहा है कि जब लड़कियों ने मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया और कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में दूसरों के साथ पढ़ना शुरू किया, तो अब देख लीजिए यहाँ तक के नौबत आ गई कि लड़के अपने ईमान बेचने के चक्कर में फिर रही हैं,
और कितनी ही एप्लीकेशन नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला इस्लाम से फिरने की आ रही हैं। तो ये नतीजा कहाँ निकला? अब अगर एक कोई पाकीज़ा लड़की जो घर में बैठी हो वो ऐसा कर सकती है, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो ये जो ताल्लुक रखेंगी तभी तो वो ऐसा करेंगी, ऐसा करती हैं। तो अब बुनियादी बात वही है कि उनकी नज़र में सब कुछ दुनिया है, और दुनिया भी जानवरों वाली इंसानों वाली दुनिया नहीं है, और कुरान की नज़र में असल आखरत है। इस वजह से सब ये कुछ हो रहा है, और इसी वजह से पूरी दुनिया में शोर मचाया जाता है कि इस्लाम नाउज़ु बिल्लाह औरतों को हक नहीं देता। हालांकि अगर देख लिया जाए इस्लाम ने औरत ही को सबसे अहम करार दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इज्जत और अजमत हमारे यहाँ माँ की होती है, और माँ जाहिर सी बात है औरत ही तो होती है, बाप का वो मकाम नहीं है जो माँ का मकाम है। तो गोया कि पूरी पावर इस वक्त औरत ही के पास है हमारे यहाँ भी, लेकिन माँ की शक्ल में है कि वो माँ जब बनेगी तो अब उसकी सारी पावर उसके हाथ में आ जाती है। अभी मजीद वजाहत और अगली आयतों में आएगी, मियाँ बीवी से मुतालिक भी बात आ जाएगी। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم